जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है शाम को 4 बजे हिंदी साहित्य की। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है आपके, तो देख लेते हैं आज का अपना। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आज का दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। पढ़ने कई बार पढ़ा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा। चयन कीजिएगा तन का, मन का, हृदय का या फिर बुद्धि का। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 96 पूछा गया है, 96 में आपके लिए चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप सभी का यहाँ पर देखते हैं, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, ये आपसे पूछा गया है। 94वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और हृदय आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर जो सी है, भाई आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है जिसमें 15 सर्ग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 95 पूछा, निम्न में से कौन सी रचना और उसकी रचनाकार का युग में सही नहीं है, बताइएगा। चयन कीजिएगा राजीव जी, तनु जी, लवली जी, अमित जी और आप सभी का यहाँ पर मनीषा जी। सही आंसर क्या होगा, कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, हिमकेटनी, माखनलाल चतुर्वेदी, ये तो दोनों सही है। हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, ये भी सही है। रसबंती, सिया रामचरण गुप्त, ये आपका सही नहीं है। विकल्प नंबर आपका जो डी है, वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 96 पूछा गया, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, सही आपके लिए बताना है। महादेव वर्मा निहार, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, पंत तुलसी पत्थर, साकेत निराला, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर, बताइएगा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। और आप सभी का रोली जी, आरती जी, विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर, सॉरी सही है पूछा गया है, तो सही है मैं आपका। महादेव वर्मा की रचना मानी जाती है कौन सी, निहार, कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद, तोड़ती पत्थर, निराला और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। निहार की रचना किसने की है, तो अब भी पढ़ा अपन ने, निहार जो है महादेव वर्मा की रचना है, 1930 की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 98, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, बताइए। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किन्होंने कहा है, पंत, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रसाद। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 98वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने बी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। छायावाद 1918 से 1936 का जो समय माना जाता है वह छायावाद का जो है समय माना जाता है। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 99, कौन सा कवि छायावादी नहीं है, देखिएगा। छायावादी नहीं पूछा दीपक जी और गोपाल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कौन सा कवि छायावादी नहीं है, निराला है, पंत है, प्रसाद है, जायसी नहीं माने जाते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी छायावादी कवि नहीं है, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राजन जी सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये भक्ति काल में निर्गुण धारा के प्रेमाश्री शाखा के कवि माने जाते हैं। निराला पंत प्रसाद ये छायावादी कवि हैं और निराला पंत प्रसाद महादेव वर्मा ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। पूछा जाता है छायावाद के 4 स्तंभों में से इनमें से कौन शामिल है या फिर कौन शामिल नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 100 क्या पूछा गया है, 100वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं, देखिएगा। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 100 है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माव्यक्ति अधिक है, तो वह है किन में, महादेवी वर्मा में। महादेवी वर्मा आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। इनमें अधिक है, ये कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली, और इसी के आधार पर जो है इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, किन के लिए, महादेवी वर्मा जी के लिए। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, अगर सौंदर्य एवं प्रेम के कवि पूछा जाए तो प्रसाद हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत हैं, और पूछा जाए औद औदात्य विद्रोह का कवि तो औद औदात्य विद्रोह का कवि कहा जाता है किनके लिए, निराला जी के लिए। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है, क्वेश्चन नंबर 101 है, अनामिका पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और क्या होगा सही आंसर, अज्ञेय निराला धूमिल या फिर शिव मंगल सिंह सुमन। नामवीर जी तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है, तो आप सभी का सही आंसर है निराला जी द्वारा रचित है। किनके द्वारा, निराला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर है, अनामिका निराली है, अनामिका तो निराली से क्या हो जाएगा, निराला आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 102 है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है बताइएगा, पल्लव लहर कामायनी या फिर झरना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है कौन सी, तो 102 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है प्रीति जी, विकल्प नंबर डी यानी कि झरना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर चार जो है वह सही आंसर है, छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा 103 वा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, बादल राग के रचयिता कौन माने जाते हैं, प्रसाद है, पंत है, निराला है या फिर महादेवी वर्मा है, 103 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर, बादल राग के रचयिता कौन माने जाते हैं, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि बादल राग निराला जी की रचना मानी जाती है, विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। जूही की कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, स्नेह नर्जर बह गया, सरोज स्मृति, इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं, किनकी, निराला जी की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, देखिएगा क्या पूछा है, नहीं पूछा गया है बताइएगा, नहीं पूछा है आप सभी से बताइए, चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर आ रहा है आंगन के पार द्वार, विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही आंसर होगा, आंगन के पार द्वार रचना जो है महादेव वर्मा की नहीं मानी जाती है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, और अज्ञेय की रचना मानी जाती है, यामा जो है इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा रचना पे, दीपशिखा नीरजा ये महादेव वर्मा की रचना मानी जाती हैं। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है, जिन्होंने नारी विमर्श पर लिखा है, महादेव वर्मा ने, बंग महिला ने, सेवानी होगा यहाँ पर, सेवानी ने या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चार विकल्प दिए गए हैं, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और रीना जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महादेवी वर्मा, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, राकेश जी बिल्कुल, निशा जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है छठवा क्वेश्चन है कि परिमल किस कवि की रचना है, परिमल पूछा है और क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा, परिमल किसकी रचना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, और परिमल, परमल जानते हो, परमल जो खाते हैं जिसकी सब्जी बनती है, परमल, परमल वे कैसे लगते हैं, निराले लगते हैं, निराले सब सब्जियों से निराले लगते हैं, तो निराले से क्या हो जाएगा, निराला हो जाएंगे और परमल से परिमल, परिमल इन्हीं की रचना मानी जाती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सा, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर सात, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है, बताइएगा किया गया है, वह आपको चयन करना है, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी है या फिर निराला है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, बिल्कुल, और हाँ आती जी बिल्कुल,
तो आप सभी का यहाँ पर 107 में क्या होगा सही आंसर, 107 में आपका ए सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को बिल्कुल सही आंसर चयन किया है सभी लोगों ने। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा 108वां क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या पूछा है देखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है, 108 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए चयन कीजिएगा साधुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। 108 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो भाषा मानी जाती है खड़ी बोली मानी जाती है, विकल्प नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 4 स्टेटस जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, गीतिका के रचनाकार का नाम बता दीजिएगा, कौन माने जाते हैं गीतिका के रचनाकार, आपको चयन करना है, प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं, मुकुटधर पांडे हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गीतिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का सही आंसर है निराला, निराला आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। इस प्रकार याद कर सकते हैं कि अनामिका गीतिका से निराली है, अनामिका गीतिका से निराली है, तो अनामिका गीतिका ये निराला जी की रचनाएं मानी जाती हैं दोनों, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 10वां क्वेश्चन है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन माने जाते हैं, निराला हैं, प्रसाद हैं, गुप्त हैं, हरिओद हैं, चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 110 में विकल्प नंबर क्या होगा, 110 का सही आंसर एक यहाँ पर भी आपका सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर भी निराला आपका सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है, जिन्होंने विकल्प नंबर ए बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 11वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, महाकाव्य नहीं बताना है, चयन कीजिएगा कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, पल्लव, ये चयन करना है, आप सभी को बताना है, बताइएगा साधना जी क्या होगा सही आंसर, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, और नहीं में आपका सही आंसर होगा कि 11 में विकल्प नंबर जो डी है वह सही आंसर होगा, पल्लव, पल्लव ये महाकाव्य रचना नहीं मानी जाती है, विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है बिल्कुल सही, एक काव्य कृति मानी जाती है पल्लव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, वह आपके लिए बताने कौन से वह संपादक थे, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, तो 112 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, आप सभी का सही आंसर है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 13वां क्वेश्चन है कि देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है, ये आपके लिए चयन करना है, सभी लोग चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर, असत्य कथन बताना है, सभी लोग चयन कीजिए, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि क्या आ रहा है सही आंसर, तो बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये कथन कैसा है असत्य, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर यहाँ पर होगा, सुमित्रानंदन पंत ये जो है छायावादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर निराला की अंतिम कविता पूछा है 14 में, बताइएगा कौन सी मानी जाती है, राम की शक्ति पूजा है या फिर तुलसीदास सरोज स्मृति या फिर यहाँ पर कौन सी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बोझा हुआ है, चयन कीजिएगा शिल्पा जी,
तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर होगा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बोझा हुआ एक कविता जो है ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन आपके लिए बताना है दीपशिखा है न्यामा है निहार है रश्मि है चयन कीजिएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है 15 में आपका सही आंसर आ रहा है कि महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन पूछा है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है निहार। कौन सा निहार आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आधुनिक युग के आधुनिक मीरा के रूप में प्रसिद्ध महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह जो है निहार 1930 में लिखा गया था। रश्मि नीरजा सांदगीत यामा ये महादेव वर्मा की महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती हैं। 16वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है देखिएगा कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन माने जाते हैं बताइएगा चयन कीजिएगा दिनकर हैं पंत हैं निराला हैं नंद दुलारी वाजपेयी हैं। 116 में आपके लिए चयन करना है पिंकी जी क्या होगा सही आंसर कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद बताना है इसके लेखक कौन माने जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ये मानी जाते हैं इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत। कौन माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी। जिन्होंने भी सभी लोगों ने राजू जी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं संस्कृति के चार अध्याय ये किसकी रचना है और अपन ने इसको याद भी किया था अज्ञे मुक्तिबोध जयशंकर प्रसाद या फिर पंत या दिनकर तो ये चार विकल्प हैं और अपन ने इसको याद किया था। संस्कृति के चार अध्याय अपन को दिन में पढ़ना है कब पढ़ना है दिन में पढ़ना है तो दिन से क्या हो जाएगा दिनकर। दिनकर जी की रचना मानी जाती है विकल्प नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 18वां क्वेश्चन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है कौन सी नहीं है ये चयन करना है प्रकृति पर्यवेक्षण प्रेम चित्रण कथा गीत प्रयोग ब्रज भाषा में रचना। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है तनु जी मुस्कान जी ब्रज भाषा में रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ब्रज भाषा में रचना ये विशेषता नहीं मानी जाती है विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर। चयन किया छायावादी काव्यधारा को स्वच्छंदतावाद यानी कि रोमांटिसिज्म में कहा जाता है प्रकृति पर्यवेक्षण प्रेम और सौंदर्य का चित्रण कथा गीत का प्रयोग आत्मवी व्यंजना और व्यंजन और श्रृंगार निरूपण नारी भावना रहस्यात्मक ये जो है मुख्य विशेषता मानी जाती है ब्रज भाषा में रचना ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है बिल्कुल सही क्योंकि छायावादी काव्य की रचना जो है खड़ी बोली में हुई है। लोकायतन के रचयिता आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं बताइएगा चयन कीजिएगा। 19वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है 19 का सही आंसर बताना है और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर है जिन्होंने विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर लोकायतन चिदम्बरा गीत हंस गीता हंस पतझर एक भाव क्रांति संक ध्वनि आदि रचना युगांत वाणी ग्राम्या गुंजन पल्लव वीणा ग्रंथि उच्चवास इन्हीं की रचना मानी जाती है बिल्कुल सही सुमित्रानंदन पंत जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 20 आंसू है आंसू क्या है मुक्तक काव्य संकलन है अतुकांत काव्य है प्रबंध काव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं है बताइए तो स्वामी राजा जी आप सभी का सही आंसर है आंसू माना जाता है मुक्तक काव्य संकलन। क्या माना जाता है आंसू माना जाता है मुक्तक काव्य संकलन विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे 21 पूछा गया है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है उर्मिला बताना है 121 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर नरेंद्र शर्मा रामेश्वर शुक्लांचल बालकृष्ण शर्मा नवीन या इनमें से कोई नहीं उर्मिला बताना है उर्मिला
ये किनका प्रबंध काव्य माना जाता है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 21 में। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 21 में उर्मिला जो है, हाँ बिल्कुल सही, बालकृष्ण शर्मा नवीन होगा सही आंसर। यहाँ पर ये गलत दे दिया है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य संग्रह माना जाता है उर्मिला। बहुत बढ़िया, कुमकुम मापलक रश्मि रेखा क्वासी अम्बे स्पाई जन्म की जी, इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया मुक्त चंद के प्रेरणता कौन मानी जाती हैं। 22 में आपके लिए चयन करना है, निराला है, नागार्जुन है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, बताइए। रोहिणी जी, वैष्णवी जी, क्या होगा सही आंसर? चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, मुक्त छंद के प्रेरणता आपसे पूछा है और आप सभी का सही आंसर होगा कि निराला जी माने जाते हैं मुक्त छंद के प्रेरणता में। जो विकल्प नंबर जो एक है वह आपका सही आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो है मुक्त छंद के प्रेरणता छायावादी कवि निराला थे। नए मुक्त छंद के कारण ही कई प्रकाशकों ने उनकी रचना को छापने से इनकार करते हुए वापस कर दिया गया था, बिल्कुल सही, तथा आलोचकों ने उनकी कविताओं को केचुआ छंद में रची गई कविताएं कहा है। तो ये भी निराला जी की रचनाओं को कहा है, इनकी कविताओं को कहा कि इनकी कविताएं केचुआ छंद में रची गई। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 123 पूछा गया है, देखिएगा क्या पूछा है कि कविता में रहस्य भावना से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या है? उसका नाम आपके लिए चयन करना है तो महादेवी वर्मा, विकल्प नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर होगा, महादेवी वर्मा आपका सही आंसर है। महादेव वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा, 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो ये तो सभी से बन जाएगा, सभी लोग बता देंगे, इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर सी जो है वह आपका सही आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया 125वां क्वेश्चन है, कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि क्यों नहीं रचा गया बताइएगा, जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी, या अन्य कवि गण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे, या कठिनाई का सामना करना कोई नहीं चाहता था। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और कामायनी की रचना के बाद उस धारा की कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य इसलिए नहीं रचा गया क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी, विकल्प नंबर आपका बी जो है वह आपका सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह कथन किसका माना जाता है? 126 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा 126 में सही आंसर चयन कीजिएगा। निशा यादव जी, सुनैना जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, अनय वर्मा जी, और आप सभी का यहाँ पर 126 में सही आंसर आ रहा है कि जयशंकर प्रसाद का ये कथन माना जाता है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा क्या है, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण पंत जी की कविता में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता ये आपके लिए बताने, प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में ना आ सका, या फिर यहाँ पर पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा व्यवस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था वैसा किसी दूसरे को नहीं मिला, या प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है, या प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को प्रयोगने की गुंजाइश का कम होना? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है,
प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण पंत जी की कविता में मिलता है, वैसा अन्यत्र इसलिए नहीं मिलता, प्रकृति का निरीक्षण का सुअवसर, प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में ना आ सका, इसलिए विकल्प नंबर आनंद जी एक जो है वह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है 128वां क्वेश्चन है, दुखी दुखी की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, यह काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है, किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? पल्लव या फिर राम की शक्ति पूंजा, चांद का मोहटीड़ा या फिर कामायनी? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 28वां क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है और 28 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी जो है कामायनी, कामायनी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य माना जाता है, जिसमें 15 सर्ग हैं जो इस प्रकार हैं, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या इड़ा स्वप्न संघर्ष निर्भेद दर्शन रहस्य और आनंद, ये 15 सर्ग माने जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 29 पूछा गया है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिएगा, कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन बिरहे कोक, बताइए पंत अज्ञेय प्रसाद निराला, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है रमा शर्मा जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, लाइक कर लीजिएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 29 में सी सही आंसर लगा दीजिएगा, प्रसाद यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, ये प्रसाद जी की पंक्तियां मानी जाती है, बिल्कुल सही, अरुण अधूरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलसा हिमहास, ये पंत जी की पंक्तियां मानी जाती हैं, और मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना भी तारों के दीप नहीं, ये जो पंक्ति है ये महादेव वर्मा की पंक्ति मानी जाती है, मेरे मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अनुभव अनु अभिनव कलरव में वन करण कभी आ जाना, ये मानी जाती है प्रसाद जी की पंक्तियां, होगी जय हे पुरुषोत्तम नबीन, ये निराला जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन को चिन्हित कीजिएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, कौन सा कथन असत्य है, श्रद्धा में कामायनी का 3रा सर्ग है, या फिर राम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित रचना है, कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का विरोध, शब्दावली का निषेध, या फिर अंधेरे में कविता चांद का मुर्टीड़ा है में संकलित नहीं है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, नीतू जी राजीव जी, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डी वाला विकल्प जो है अंधेरे में कविता चांद का मर टेढ़ा है मैं संकलित नहीं है, एक कथन कैसा है, असत्य है, असत्य है एक कथन, बिल्कुल सही, देखिएगा श्रद्धा कामायनी का 3रा सर्ग है सत्य, राम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित ये भी सत्य है, कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध ये भी सही है, सभी कथन सत्य हैं, अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है जबकि चांद का मुर्टेड़ा है कविता संग्रह है, इसमें भूल गलती पता नहीं, ब्रह्म राक्षस लकड़ी का रावण डूबता चांद मुझे पुकारती हुई पुकार मुझे याद आते हैं मुझे मालूम नहीं आदि कविताएं इसमें क्या है संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 131वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था, उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी, पल्लव साकेत जौहर या फिर परिमल, बताइए चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 31वां क्वेश्चन का सही आंसर बताना है, तो विकल्प नंबर एक सही आंसर है पल्लव, क्या है सही आंसर, पल्लव आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 32वां क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, बताइए चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है गुंजन पल्लव ग्राम्या लुकायतन, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि पल्लव को कहा जाता है,
किसको? पल्लव आपका विकल्प नंबर जो बी है भाई, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने जिन्होंने भी चयन किया है तो उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो निराला की रचना तो अपन ने पढ़ी है, देखिएगा, नामिका है, गीतिका है, परिमल है, और यहाँ पर दी गई है कौन सी? निशीथ। निशीथ रचना नहीं मानी जाती है किनकी? निराला जी की। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। निशीथ निराला की नहीं बल्कि रामकुमार वर्मा की रचना मानी जाती है। अनामिका, परिमल, गीतिका, ये निराला जी के काव्य संग्रह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 34वां क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? लाइक कर लीजिएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक अवश्य कर लें। और क्वेश्चन नंबर 34 में सही आंसर चयन करना है तो सही आंसर है, क्या है सही आंसर? ये जो है काव्य माना जाता है, किस विधा की रचना है ये पूछा है, काव्य विधा की रचना इसी वाला विकल्प नीतू जी सही आंसर होगा। कला और बूढ़ा चांद सुमित्र नंदन पंत जी का काव्य संग्रह माना जाता है। इनके काव्य संग्रहों की बात करें, वीणा, पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन, युगपत, स्वर्ण किरण, ये इन्हीं के माने जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमिलित करना है, चलिएगा सुमिलित कर देते हैं। यहाँ पर कोड भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर आपके कोड दिए गए हैं, ये आपके यहाँ पर कोड है तो देख ले कौन सा कोड यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी लोग चयन कीजिएगा और आप सभी ने यहाँ पर कोड देख लिए तो चलिए देखिए यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। बन बेला ये रचना किनकी मानी जाती है? बन बेला निराला की रचना है। उत्तरा ये रचना मानी जाती है किनकी? ये मानी जाती है सुमित्रा नंदन पंत की रचना। परिक्रमा, परिक्रमा रचना मानी जाती है महादेवी वर्मा की। चित्राधार रचना किनकी मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद की। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। इन पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना, ये पंक्तियां तो जो है दी गई हैं यहाँ पर, आपका जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये पंक्तियाँ दी गई हैं तो देखिए यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ पर हैं, प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? हरिवंश राय बच्चन जी की। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति मानी जाती है। ऐ मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। इस प्रकार यहाँ पर सही जो है सम्मिलित किए गए हैं कोड विकल्प नंबर सी में, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 पूछा गया है कि कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मूलन अभिराम इसी में है सब होते अनुरक्त। तो ये आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है, यहाँ पर आपके लिए बताना है कि इन पंक्तियां जो हैं ये कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं, ये आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। राजन जी ने 40 मिनट की क्लास कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होते हैं। चलिए देख लेते हैं ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर है, श्रद्धा से ली गई है। किससे? श्रद्धा, आपका कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं, बिल्कुल सही। कामायनी में 15 सर्ग हैं, प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य है, शांत रस प्रधान महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 38 पूछा गया है, देखिएगा क्या पूछा है। लिखता अबाध गति मुक्त छंदे पर संपादक गण निरानंदे,
वापस कर देते पढ़ सतवर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं की वापस किए जाने की बात कर रही है ये आपके लिए बताना है। पंत जयशंकर प्रसाद की या फिर स्वयं अपनी रचनाओं या फिर महादेवी वर्मा की, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर, और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप सभी का सही आंसर है स्वयं अपनी पन जो है रचनाओं को वापस किए जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन, निराला जी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 139वां क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, राम की पूजा में बैठने से, राम सीता के उदात्त प्रेम से, दुर्गा जी की उपासना से, बताइए। लाइक अवश्य कर लेंगे, बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए हैं जिन्होंने अभी तक, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। 39वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और विकल्प नंबर आपका एक सही आंसर है राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ रहा है बहुत सारे लोग, जुड़ जाइएगा, आपके लिए यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है। टेलीग्राम ग्रुप में कुछ प्रतियोगिता करवाई जाती है जहाँ पर बहुत बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लाइव चैट में दी गई है, जुड़ जाइएगा सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से। और 39 में आप सभी का सही आंसर है राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, विकल्प नंबर एक जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 पूछा गया है, क्या पूछा है कि रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? पंत प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर निराला, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 में आप सभी का सही आंसर है निराला, विकल्प नंबर डी जो है मैं आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहां पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है 41वां क्वेश्चन है, देखिएगा। मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, यह किसका कथन है? ये कथन आपके लिए बताना है, बताइएगा। जाहिद अली जी क्या होगा, कल्पना जी सही आंसर, तो आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा? नेहा जी, राजन जी, दीपक को दे दीजिए, दीपक जी को वह छाप देंगे आपकी नई कविता। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 में सी वाला जो विकल्प है जयशंकर प्रसाद, वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जो है वह आपका सही आंसर होगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा गया है ये आपके लिए बताना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा है ये आपसे पूछा गया है अंश जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर 1 यानी कि छायावाद आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। छायावाद आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, 43वां क्वेश्चन है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है ये आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। प्रियंका उपाध्याय जी, कर्म में ज्ञान, बुद्धि या फिर हृदय, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जो डी है यानी कि हृदय। कामायनी महाकाव्य में जो श्रद्धा है ये प्रतीक है किनका? हृदय का, दीपक जी। तो डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, कामायनी महाकाव्य में 15 जो है सर्ग हैं और कामायनी को जो है छायावाद का उपनिषद कहा है किन्होंने? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 144वां क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी मानी जाती है, बताइए, बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति की बात करें तो अंतिम पंक्ति कौन सी है?
प्रियंका उपाध्याय जी, ये लिंक दी गई है लाइव चैट में, पिन की गई है लिंक, इससे जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप से। अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना है एग्जाम पर यूट्यूब चैनल, और वहां से आप जो है जुड़ सकते हैं। एग्जाम पर यूट्यूब चैनल सर्च करिए तो आ जाइए, वहां पर आ जाएगा। राम की शक्ति पूजा की जो अंतिम पंक्ति मानी जाती है कविता की, कह महाशक्ति राम के बंधन में हुई लीन, ये सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। कामायनी का मूल दर्शन क्या है बताइएगा, चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, श्रीकांत जी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिंदु जी, कामायनी का मूल दर्शन पूछा गया है, प्रत्याभिज्ञा दर्शन आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है, बिल्कुल सही आंसर, प्रत्याभिज्ञा दर्शन जो है कामायनी का दर्शन माना जाता है। कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत बढ़िया, और सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किए हैं। तो इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है शाम को 4 बजे, तो सभी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लेना है, इसी तरह से जुड़ना है। और शाम को 7:30 बजे कम लोग आ रहे हैं, 7:30 बजे जुड़िएगा शाम को, जहां पर आपके लिए सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, नामवीर जी, राजन जी, रमा जी, राजीव जी, लवली ठाकुर जी, वैष्णवी जी, प्रीति जी, शिल्पा जी, और साधना जी, नीतू जी, बिंदु जी, रिता जी, जायद अली जी, रौली जी, अंश जी, शिल्पा जी, और प्रियंका जी, ज्वाइन कीजिएगा ग्रुप को। प्रियंका जी, साधना जी, और अमित जी, अनीता जी, तनु जी, पिंकी जी, कल्पना जी, श्रीकांत जी, नीतू जी, आनंद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन जी और बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी, राकेश जी, सभी को इसी तरह से जुड़ते रहना है क्लासों से, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ये दी गई है, इसी से ज्वाइन होइएगा सभी लोग, और एग्जाम पर सर्च के लिए कर ले। जो लोग अपना यहाँ पर चैनल में लगा है एग्जाम पर, ऐसा ही वहाँ पर आपके लिए ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के लिए लाइक शेयर अवश्य करना है। जायद अली जी, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के लिए जय हिंद।